सर्दियों की सब्जियों के जड़ और उनको बीमारियों से बचाने के लिए आज एक सस्ता सा और फ्री सा और बासानी बनाने वाला फर्टिलाइज़र लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में एक अलग से फर्टिलाइज़र के बारे में होगी जो आपके पौधों के जड़ को मजबूत और आपके पौधों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो मज़ेदार सी वीडियो होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतज़ार के। सर्दियों के सब्जियों के लिए कुछ खास खादें या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके सब्जियों के लिए कारामद होते हैं। उनमें से सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास फास्फोरस, फास्फोरस के बाद पोटैश, पोटैश के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, सल्फर जो भी हैं वो आपके सर्दियों के सब्जियों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कैल्शियम की खाद, मतलब कैल्शियम मतलब एक भूजा हुआ चूना लेकर आए हैं। चेक कर सकते हैं ये भूजा हुआ चूना है, इसको हमने इसको क्रश करके एक अच्छा सा पाउडर बना दिया है। कैल्शियम आपके पौधों की रूट्स की ग्रोथ को बढ़ाएगा और आपके पौधों को डिजीज़ से रेजिस्टेंस मतलब उनको डिजीज़ से भी बचाएगा और आपके प्लांट्स को सपोर्ट भी देगा, जिसकी मदद से आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उनकी नशोनुमा और आपके पौधे लश ग्रीन भी हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ हमने इसको यूज़ करने का तरीका क्या इस्तेमाल किया है कि ये एक चाक था, चाक को हमने क्रश कर दिया था, चेक कर सकते हैं इसको क्रश कर दिया मतलब इसको छोटे छोटे दानों में क्रश कर दिया है। अभी हमने पानी भी उठा लिया है, पानी में इसको अच्छे से मिला देंगे तो ये हमारे पानी में मिक्स हो जाएगा, तो हम इसको एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। भूजा हुआ चूना है, आप इसको अपने जो भी प्लांट्स हैं सर्दियों की सब्जियों के लिए स्पेशली टमेटो, ब्रिंजाल या जो भी रूटिंग वेजिटेबल्स हैं उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स करते हैं फिर आपको दिखाते हैं कितना अच्छा फर्टिलाइज़र बन गया है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो कैल्शियम फर्टिलाइज़र है वो तकरीबन तैयार हो गया। इसको 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अपने अभी रूटिंग वेजिटेबल्स जो भी सर्दियों के सब्जियां हैं उनको हम एक एक बकेट मतलब पार्ट्स के मुताबिक इनको देते जाएंगे। इसमें टमाटर का पौधा है, इसमें हम दे देंगे तो टमाटर की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और उनको जो भी इंसेक्ट हैं या डिजीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो सर्दियों की सब्ज़ी के लिए इंतहाई बासानी खाद है ये हमारे मस्टर्ड के सब्ज़ी, इसको भी हम थोड़ा सा दे देंगे। तो इसी तरह से हमने मस्टर्ड को भी दे दिया और आपके प्लांट्स की ग्रोथ और उनको डिजीज़ से भी बचा कर रखेगा। तो छोटी सी वीडियो थी फर्टिलाइज़र के बारे में। बासानी फर्टिलाइज़र आप अपने किचन गार्डन के लिए सब सब्जियों के लिए बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।